नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएनएक्स टीवी। मैं हूं आपके साथ निशा। संक्रमण को खत्म करने के लिए किए जा रहे देशव्यापी लॉकडाउन से व्यापार में हो रहे नुकसान से बचाने के लिए मुख्यमंत्री के नाम 303 ज्ञापन एसडीएम को सौंपा है। सेवा मंडल को नगर के व्यापारियों के अलावा सभी राजनीतिक व सामाजिक संगठनों का समर्थन हासिल है। सेवा मंडल डोंगरगढ़ के पदाधिकारियों ने छोटे दुकानदारों के व्यवसाय को लेकर चिंता जताई है और इस संबंध में एक ज्ञापन एसडीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री को सौंपा है। सेवा मंडल का कहना है कि विभिन्न प्रकार के व्यवसाय करने वाले, जिसमें पान ठेला, चाय नाश्ता के होटल, सैलून और गांव-गांव जाकर मनिहारी का व्यवसाय करने वाले व्यवसायियों के अलावा किराना, कपड़ा, मोबाइल, बर्तन और किचन वेयर, इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रॉनिक्स हार्डवेयर समेत सोना चांदी, वेल्डिंग, मंदिरों के रास्ते पर पूजा सामान बेचने वाले छोटे व्यापारियों की आजीविका की समस्याओं को दूर करने की अपील की है। सेवा मंडल का कहना है कि व्यापारी हमेशा से सरकार के निर्देशों का पालन करते हुए पूरी तरह सरकार के साथ खड़े होते हैं और टैक्स के रूप में अपना योगदान देते हैं। यही नहीं, आपदा और अन्य संकट के समय जनता की सेवा करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। अपनी सभी सामाजिक जिम्मेदारी समझते हुए संक्रमण के भय के बीच लोगों की हर संभव मदद करता आया है। ऐसे में व्यापारी सरकार की ओर मदद की आस भरी नजरों से देख रहे हैं। व्यापारी जगत के लिए प्रदेश में रास्ते खोले जाएं, हर छोटे बड़े व्यापारी हेतु उचित सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं, जिससे रोजगार भी उपलब्ध हो सकेगा, साथ ही प्रदेश की अर्थव्यवस्था भी मजबूत हो सकेगी। इन्हीं उद्देश्यों को लेकर सेवा मंडल द्वारा डोंगरगढ़ के सभी छोटे बड़े व्यवसायियों के हस्ताक्षर युक्त 3 सूत्रीय ज्ञापन प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को नायाब तहसीलदार रश्मि दुबे के माध्यम से सौंपा गया। इस दौरान सेवा मंडल के अध्यक्ष शिव अग्रवाल, मंत्री विवेक मोनू भंडारी, सहमंत्री योगेश सन्नी अग्रवाल उपस्थित रहे। डीएनएक्स टीवी के लिए डोंगरगढ़ से सोमेश्वर सिन्हा की रिपोर्ट। पहली बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज़ादी के बाद से कभी भी कभी व्यापारियों ने किसी प्रकार की मांग और सरकार से कोई अपेक्षा नहीं कही है और साथ ही विभिन्न प्रकार के करों को लगातार बढ़ाते हुए आया है। परंतु इस महामारी ने व्यापारियों की कमर तोड़ के रख दी है, जिसमें सेवा मंडल के द्वारा ये मांग की गई है कि जिनकी आय सालाना 2 लाख रुपये से कम है उन्हें 7,000 रुपये महीना, और जिनकी आय 2 लाख रुपये से अधिक है उन्हें उनकी हानि, जो हानि हो रही है इस महामारी को लेकर के, उसकी हानि का मूल्यांकन करके एक बीमा पॉलिसी दी जाए। खासकर किराना व्यापारियों का जाने अनजाने लगातार कई लोगों से मेल मिलाप का हो रहा है, जिनसे इस संक्रमण की उनके ऊपर कहीं ना कहीं एक आशंका बनी हुई है। तो एक बीमा पॉलिसी की सेवा मंडल ने मांग की है, साथ में बिजली बिल माफ़ करा जाए, जो बंद प्रतिष्ठान है उनका बिजली बिल माफ़ किया जाए और ये जो ऑनलाइन व्यापार जो चल रहा है इसे खत्म करके स्थानीय व्यापारियों को इसका प्रोत्साहन दिया जाए।